हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कुलदीप बड़ोदा अपनी गुड्डा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड्डा गोड जी की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत अपन दुग्ध विज्ञान का आज अंतिम पाठ पढ़ेंगे। अंतिम पाठ के अंदर एक छोटा सा बिंदु आता है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अपने को केवल इसके बारे में जानना क्या है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है ये एक योजना है जिसकी शुरुआत 12वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। इस नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है क्या है, ये क्या है ये योजना जिसकी शुरुआत 12वीं पंचवर्षीय योजना में की गई, तो इस योजना के तहत क्या किया जाता है। इस योजना के तहत जो पशु हैं उनके दाने व चारे को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। पशुओं को दिया जाने वाला जो दाना मिश्रण है और जो चारा है उसका उत्पादन अधिक से अधिक हो, एक काम। दूसरा काम है कि जो चारा और जो दाना की जो उपलब्धता है, उपलब्धता और मांग के बीच के अंतर को कम करना। उपलब्धता और जो मांग है उसके बीच के अंतर को कम करना ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरा, इस योजना के अंतर्गत, इस मिशन के अंतर्गत जो पशुओं की जो बीमारियां हैं उन बीमारियों के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाना। मोस्टली कौन से रोग, जैसे खुरपका मुंहपका है FMD, फुट माउथ डिजीज, खुरपका मुंहपका रोग है, माल्टा ज्वार है, इस प्रकार के रोग हैं कि इनके लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ठीक है। इसके बाद अंत में अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस बचते हैं, जैसे अपना राजस्थान का भारत में दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है। राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान का भारत में दूध उत्पादन में स्थान, तो राजस्थान का भारत में दूध उत्पादन में स्थान है दूसरा। राजस्थान जो है वो भारत में दूसरे स्थान पर है दूध उत्पादन के मामले में। बात करें कि राजस्थान की भारत में हिस्सेदारी कितनी है, तो देश के कुल उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था, ये इसकी 11.8% हिस्सेदारी है अपने राजस्थान की। पूरे भारत के कुल दूध उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 11.8% है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि अपने राजस्थान में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की क्रियान्वयन के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, तो अपने राजस्थान में दूध के लिए है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। इस राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है इसकी स्थापना 1977 में की गई थी, ठीक है। अब ये राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है इसका कार्य क्या है, ये क्या काम करती है ये डेयरी फेडरेशन। इसका कार्य देखो यही है, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या करना कि डेयरी से संबंधित जो उत्पादन है, जो विपणन है और जो विकास कार्य हैं उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कैसे किया जाए। मतलब दूध का उत्पादन, दूध से उत्पादन है, उत्पादन के बाद में उसको बेचना है मतलब विपणन, और विपणन के साथ साथ में विकास कार्यों को सफलतापूर्वक संचालन करना, ये इस डेयरी फेडरेशन के मुख्य मुख्य कार्य हैं।
ठीक है। साथ ही बात क्यों जैसे क्यों सुना जाए कि संसार की विश्व की सबसे बड़ी डेयरी योजना का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार की सबसे बड़ी डेयरी योजना कौन सी है, तो अपनी जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जिसको अपन ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, ये संसार की सबसे बड़ी डेयरी विकास योजना है। ठीक है, इसके साथ ही भारत की वार्षिक उत्पादन वृद्धि दर कितने प्रतिशत है, भारत की वार्षिक उत्पादन वृद्धि दर कितने प्रतिशत है, तो ध्यान देना 5.3% है। ठीक है, ये अपने इस चैप्टर के मुख्य मुख्य बिंदु थे। इसके साथ ही अपना ये चैप्टर नंबर 15 दुग्ध विज्ञान आज कम्पूर्ण होता है, साथ ही एनिमल हस्बेंड्री का जो पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।